आज हम बनाएंगे मसालेदार पूरी की शानदार रेसिपी। ये पूरियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी कचौरियों की तरह फूली फूली बनती है। इन पूरियों को आप बनाकर सफर पर भी ले जा सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मसाला पूरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। ये 1 कप आटा है, इसमें 1 कप और डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। आटे में बेसन मिलाकर बनाने से पूरियां बहुत ही टेस्टी बनती है, तो यहाँ पर आप आटे के साथ बेसन जरूर लीजिए। इन्हें एक साथ मिक्स करके इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट। इन तीनों को मैंने एक साथ ग्राइंड करके लिया है। साथ ही जाएगी 1/2 चम्मच अजवाइन, ये पूरी में अच्छा फ्लेवर देती है। 1/2 चम्मच सौंफ। अच्छे कलर के लिए डालिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, तो इसमें लाल मिर्च टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। यहाँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, आप इसे जरूर डालिए, इससे पूरी का स्वाद एनहांस हो जाता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। अब जाएगा 1/2 कप दही। इसे डालने से पूरियां खस्ता और सॉफ्ट बनती है और पूरियां 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती है, तो इसे बनाकर आप सफर पर जाते समय ले जा सकते हो। इन सभी मसालों को हाथों से आटे में मिक्स कर लेंगे। इसे मसलते हुए मिलाइए, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली पूरी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट सा आटा हमें लगा लेना है। आटे को आप यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाइए, जिससे पूरियाँ बेलने पर फटेगी नहीं और सभी पूरियाँ फूली फूली बनेगी। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट सा आटा हमें तैयार कर लेना है। इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और डो को हल्का सा चिकना कर लेंगे। ऐसे ही ऑयल लगाकर 10 मिनट साइड में रख दीजिए, जिससे आटे पर पपड़ी नहीं आएगी और आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटे को हम एक बार फिर से गूंद लेंगे। ये सॉफ्ट आटे से पूरी बहुत ही आसानी से बिलेगी। आटे में से लोई लेकर इसकी पूरियां बनाएंगे। पूरी की साइज के हिसाब से आप लोई बनाइए, इसे आप मोटा या पतला रख सकते हो। मैं यहाँ पर बड़े साइज की पूरी बना रही हूँ। पूरी को बेलते समय हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, जिससे बेलते समय ये चिपकेगी नहीं। आटा सॉफ्ट होने की वजह से पूरी एकदम गोल गोल बनी है और किनारे से बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो ऐसे ही आप सभी पूरियों को बेल लीजिए और एक साथ फ्राई कर लीजिए। यहाँ पैन में मैंने ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है, इसमें पूरी को सावधानी से डाल देंगे। ऑयल को आप यहाँ पर एकदम गर्म करके पूरी डालिए, जिससे सभी पूरियां फूलेगी और ज्यादा ऑयल भी नहीं सोखेगी। आप यहाँ पैन के हिसाब से पूरियां फ्राई कर सकते हो। अगर पैन बड़ा है तो आप एक साथ ज्यादा पूरियां फ्राई कर लीजिए, इन्हें फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही पूरियां फूल जाए, तब उन्हें पलट कर सुनहरा सा कर लीजिए। ये 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाती है। तो देखिए, पूरी दोनों तरफ से सिककर गोल मटोल फूली है। अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे। इनका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, ये एकदम कचौरियों जैसी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें शाम की छोटी मोटी भूख में बनाकर चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हो। ये 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। इन मसाला पूरियों को आप बनाकर पिकनिक पर ले जाइए। ये अचार, चटनी, टोमेटो सॉस सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये हमारी 2nd बैच की पूरियां भी बनकर तैयार है, तो ऐसे ही आप भी कम समय में ढेरों पूरियां बनाकर एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।